सूरज गुरूब होने लगा था हर शह डूबते सूरज की आखिरी झलक देख रही थी जबले कैस के पहाड़ी सिलसिले पर अंधेरा छाने लगा जड़ों की सर्द ठटरा देने वाली रात शुरू हो गई जबल कैस पहाड़ी के एक गार में हजरत आदम आसम की लाश मुबारक पड़ी हुई थी और गार के बाहर बनी शीस के दो जवान खड़े पहरा दे रहे थे अचानक वहाँ पर बनी काबिल के दो कद आवर शख्सियात नमोदार हो गए और ग़ार की तरफ बढ़ने लगे इन दो आदमियों को देख कर बनी शीश के जवानों ने कहा ए बनी काबिल के लोगो यहाँ क्या करने आए हो यहाँ से चले जाओ यहाँ हजरत आदम सलाम की लाश मुबारक पड़ी है कबल इसके के हम तुम्हें खून में नहला दें, यहाँ से लौट जाओ और अपने अपने कबीले चले जाओ और हमें यहाँ पर पहरा देने दो जहाँ पर हमारे बाप के दादा हज़रत शीस सलाम ने हमें मुकर्रर किया है बनी काबिल के उन जवानों ने उन्हें लड़ने के लिए ललकारा और ये लोग आपस में लड़ने लगे इंसानियत के बाप हज़रत आदम सलाम की वफ़ात के बाद आपकी औलादें इस तरह क्यों लड़ती रहीं बनी काबिल कौन थे और बनी शीस कौन थे और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने थे इस वीडियो में हम हज़रत आदम सलाम के बेटे हज़रत शीस सलाम और आपके हालात ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल पेश करेंगे जन्नत से निकाल जाने के बाद हज़रत आदम सलातो सलाम और अम्मा हो सलाम्ल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और यहाँ अपनी सज़ा काटने लगे थे हज़रत आदम सलाम के मतलब इबन जरीर तिबरी रमतल्ला ने आपकी चालीस औलादों का नाम जिक्र किया है जो हज़रत होवा के यानी बीस मरतबा के उम्मीदों से जुडवा जुड़वा चालीस बच्चे पैदा हो गए थे जिनमें सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा थी काबिल ने अपने भाई और हज़रत आदम आम के दूसरे बेटे हाबील को कत्ल किया था और ये दुनिया का सबसे पहला कातल है जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो शैतान काबिल के पास आया और उसको अपने घर छोड़ने और घर से भागने का मशवरा दिया और कहा अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें उसके बदले में कत्ल कर देगा लिहाजा काबिल अपनी बीवी अक्लीमा को लेकर वहाँ से दूर अदन चला गया और अदन की पहाड़ियों में जा बसा वहाँ काबिल के यहाँ एक लड़का खनूक पैदा हुआ और ख़नोक से महावीर पैदा हुआ और इस तरह इसकी भी नस्ल बढ़ती चली गई पहाड़ियों में काबिल की नस्ल खूब बढ़ने लगी और वहाँ पर उसकी कसीर औलादें हुई काबिल और उसकी औलादों ने पहले आतश परस्ती यानी आग की पूजा और फिर परस्ती का आगाज़ किया उधर हाबील की शहादत के बाद हज़रत आदम सलाम इंतहाई गमगीन रहने लगे और उन्हें अपने फर्माबरदार बेटे के खोने का बहुत दुख था लिहाजा हजरत आदम सलाम ने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मुझे ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन इस्लाम को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम पर और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए मुझे नेक और साले जानशीन फरमा अल्लाह ताली ने हज़रत आदम सलाम की दुआ को कबूल फ़रमाया और कुछ अरसे बाद हज़रत शीस सलाम की पैदाइश हुई शीश के मायने हैं अल्लाह का अतिया हज़रत आदम व हवा रजी अल्लाह तुने उन्हें यह नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ये औलाद हाबील के बदले अता फ़रमाई थी जब हज़रत शीस सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत आदम सलाम की उम्र 130 बरस थी हज़रत शीस सलाम अल्लाह ताला के दूसरे पैगम्बर थे अल्लाह ने इस दुनिया में पैगंबरों पर 100 सौ और चार किताबें नाजिल फरमाई जिनमें सिर्फ़ पचास सहीफ़े सिर्फ़ हज़रत शीस सलाम पर नाजिल हुए थे उनहीफ़ों में वो असूल कवानीन और ज़ाबते थे जिनसे इंसानियत और ज़िंदगी मनज़म होती है हज़रत शीस अलम एक ख़ुश अखलाक और खुश शक्ल इंसान थे शुरू से ही हज़रत आदम सल ने हज़रत शीस आल की तलीम तरबियत पर बहुत तोजह दी आपने शीस अल्लाम को जन्नत के अहवाल बताए अच्छे और बुरे की पहचान करवाई जैसे जैसे हज़रत शीस अल सलात जवान होते गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और तरबियत रंग लाती रही हज़रत आदम सलाम ने आपको दावत तबलीग के तरीके सिखाए दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई उन औकात में अल्लाह ताला की की जाने वाली इबादतों की तालीम दी और बाद में आने वाले नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से भी आगाह किया हज़रत आदम आलाम को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि आपका एक बरदार बेटा शहीद हो गया था और दूसरा बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल पड़ा था लिहाजा अब अल्लाह के दिन को आगे फैलाने और शैतान से मुकाबला करने के लिए आदम अलसला सलाम की नज़र में हज़रत शीसम ही थे जब हज़रत शीस अलसम जवान हुए तो आपने अपने भाई बहनों में एक नेक सीरत औरत जिसका नाम मुखाइला था उससे निकाह कर लिया बाज़ रिवायतों में उसका नाम अरूरा भी लिखा गया है हज़रत आदम अलातुलाम और शीस अलम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहने लगे थे जबकि काबिल उनसे बहुत दूर अदन में जा बसा था इसी तरह हज़रत आदम सलातुम का काबिल से रबता बिल्कुल ख़त्म हो गया था काबिल और उसकी औलादों के हाँ फहाशी और बेहयाई अपने रूज पर थी और ये कुफर शर्क और बुत परस्ती में मुबतला थेरत आदम अलातुलाम ने नौ सौ साठ साल की उम्र पाई रिवायात में है कि आपने वात से कबल ये वसीयत की थी कि इनके जिसम मुबारक को जबले कैस के गार में रख दिया जाए क्योंकि इस ज़मीन पर एक अजीम तूफान आने वाला है जब ये तूफान खत्म हो जाए उसके बाद आपके जिसम को शाम की सरजमीन में दफन किया जाएगा लिहाजा वफात के बाद हजरत आदम आसमाम के जिसम मुबारक को बनी शीश ने एक ताबूत में रख दिया और उसे एक गार में रख दिया कहते हैं कि उस गार के बाहर बनी शीश के लोग हमेशा पहरा दिया करते थे और बनी काबिल अक्सर उस गार की तरफ हमला करते थे ताकि हजरत आदम सलातुस की नाश मुबारक को अपने साथ लेकर जाए लेकिन तूफान नू तक ये ताबूत हज़रत आदम असलम के जानशीन बनी शीस के पास ही रहा हज़रत आदम अल सलाम की वफात के एक साल बाद बीबी हवा सलाम्ला भी वफात पा गई रिवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम सलाम की वफात हुई उस वक्त आपकी औलादों की तादाद चालीस हज़ार तक पहुँच चुकी थी आपकी वफाद के बाद बदनी आदम के निगहबाँ और हज़रत आदम सलाम के जानशीन हज़रत शीस सलाम बने हज़रत शीस असलम पूरी उम्र अपनी आलो औलाद की तरबियत में लगे रहे और उन्हें काबिल और उनके कामों की तरफ जाने से मना किया क्योंकि वो लोग गुनाह और फसाद में मुबतला थे दूसरी तरफ पहाड़ियों में काबिल की नस्ल बहुत बढ़ चुकी थी बुनियादी तौर पर इंसान दो ग्रहों में बढ़ चुके थे एक तरफ बनी काबिल यानी काबिल की औलाद थी जो शैतान के पैरोंक थे और पहाड़ों में रहा करते थे और दूसरी तरफ बनी शीश यानि हज़रत शीस अलसलातलम की औलाद थी जो जमीन पर रहा करती थी और खेती बाड़ी क्या करती थी बनी शीस हजरत आदमी सलाम की तालीम पर अमल पैरा थे और शिरको परस्ती से दूर थे वक्त गुजरता रहा और औलाद आदम परवान चढ़ती रही नई नई बस्ती और ज़िंदगी गुजारने की नई नई चीज़ें ऐजाद होने लगीं दूसरी तरफ बनी काबिल इतने सरकश हो गए थे कि वो अक्सर बनी शीस पर हमला आवर होते और उनके अनाज और गल्ला वगैरह लूट कर ले जाया करते थे दुनिया की पहली जंग भी उन्हीं दोनों के दरमियान हुई और जंग की वजह यह हुई कि काबिल अपने बेटे की शादी हज़रत शीस आसाम की बेटी से करना चाहता था लेकिन हज़रत शीस आसाम ने उस शादी से इनकार कर दिया लिहाजा एक दिन बनी काबिल के शरीर लोग बनी शीश की एक लड़की को उठा कर ले गए जिस पर हज़रत सलाम ने बनी काबिल के इलाकों पर हमला कर दिया और एक सख्त जंग के बाद बनी काबिल को शिकस्त दी उस जंग के बाद उनके इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया और अफग शुदा लड़की को आज़ाद करवा दिया गया जबकि एक नज़रिया ये भी है कि बनी काबिल और बनी शीश दरअसल बाद में एक हो गए थे हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजियाल्ला तरमाते हैं कि उस जमाने में दो नस्लें आबाद थी एक पहाड़ पर और और दूसरी जमीन पर पहाड़ों के इंसान खुश शक्ल थे और, औरतें फाम के जमीन के की औरतें और मर्दों के रंग सांवले थे वाकई कुछ यूँ हुआ कि कि इबलीस एक दिन में जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा फिर उसने बासुरी की शक्ल की एक चीज ईजाद की और उसको बजाने लगा लोग उसकी आवाज से मदहोश हो गए और उसके इर्द गिर्द जमा होकर सुनने लगे फिर एक दिन मेले का मुक्र हो गया जिसमें मर्द और, और औरतें जमा होने लगे उस मेले में औरतें खूब सज धज कर धलती उसकी खबर दूर दूर तक फैल गई लिहाजा एक दिन बनी इसराइल का एक शख्स मेले में आ गया जब उसने बनी शीश की औरतों की खूबसूरती और हसन को देखा तो उसके दिल में शर पैदा हुआ उसने वापस जाकर पहाड़ों में रहने वाले बनी काबिल को बनी शीस की औरतों के हसन और जमाल के बारे में बताया लिहाजा वहाँ के लोग मैदानी इलाके में आने लगे बनी काबिल इन बस्तियों में आए और उन लड़कियों के साथ बदकारी में पड़ गए उन्होंने आपस में शादियाँ भी की जिससे बनी काबिल और बनी शीज आपस में मिल गए रिवायात में है कि हजरत शीज अले सलातो सलाम की 33 औलादे थी जिनमें आपके जानशीन जनाब अनूश बने अनूश के हाँ के नान पैदा हुए जिनकी नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलातो सलाम पैदा हुए जिन्हें नबूत से सरफराज किया गया हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिनके जमाने में एक अजीम तूफान आया उस तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे साम हाम और याफिस हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन के तीन हिस्से किए और अपने बेटों में तकसीम कर दिए हाम को अफ्रीका का वस्त और शुमाली हिस्सा दिया साम को वस्त एशिया और अरब का हिस्सा मिला और याफिस को रोम और मगरबी इलाकों के मुल्क दिए आज अरब और वस्त एशिया के लोग शाम की औलादे हैं अफ्रीका के बाशिंदे हाम की औलादे हैं और मगरबी ममालिक और यूरोप के लोग याफिस की औलाद में से हैं आज बनी काबिल और बनी शीज़ आपस में मिल चुके हैं और ये कभी अलहदा नहीं हो सकते मगर ये कि हम अपने बाप हजरत आदम अल्लाम की वसीयत और नसीहत पर अमल पैरा होकर बनी शीज़ के रास्ते पर चल कर ही फलाह पा सकते हैं बनी काबिल और बनी शीश की तारीखी जंग सिर्फ़ एक ख़ास ज़माने तक न रही बल्कि वो जंग आज भी जारी है और तायामत जारी रहेगी लेकिन उस जंग में फ़तह उसको होगी जो हज़रत शीसम और हज़रत आदम और की रिवायात और तालीमात पर कायम रहेगा अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लास और हज़रत आदम और हज़रत शीसम के तलीमत पर अमल पैदा होने की तोफ़ीक अता फ़रमाए امين يا رب العالمين